कर रहा था बट लेकिन आज पे कोई ट्रैजेडी हुई है उनकी फैमिली में तो वी कुडंट मेक इट ओवर हियर आई कैन से कि बहुत ही आई विल टेक जब कोई भी ऑफेंस होता था बच्चों चाहे बच्चा विक्टिम हो या बच्चे से दूर कायम किए गए यही मद्देनजर रखते हुए कि बच्चों का अपने उनका साथ ही साथ इस वक्त मोस्ट वल्नरेबल है एज बच्चा तो वो वल्नरेबल साथ में जब हम देखते हैं किसी भी मुल्क की जो जो अपना लीडरशिप जो किसी भी कंट्री की लीडरशिप उसके बाद बच्चों के मुख्य पेज इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट पुलिस है चाहे वो कोई और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है तो उसके साथ साथ बच्चों की दी गई प्रोटेक्शन तो आर्टिकल 40 की गवर्नमेंट कंट्री ओरिएंटेशन प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था जिसमें कि हमने सभी स्टेक होल्डर्स को जिसमें हमारे महकमे पुलिस के अफसरान हैं हमारे लॉयर्स हैं हमारे मेंबर्स जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं हमारे और इनके तहत काम करने वाले JJB और CWC है इन सब को हमने एक मंच पे लाया ताकि हम बात कर सकें रिगार्डिंग बच्चों के हकूक़ के बारे में और साथ में राइट्स ऑफ अक्यूज्ड पर्संस जो उनके हकूक़ होते हैं प्री अरेस्ट अरेस्ट और रिमांड स्टेज पर जो जिसके बारे में बात हुई जो ट्रेनिंग हो गई से जो ट्रेनिंग सेशन हमारा हो गया पुलिस अफसरान के साथ जिसमें हमारे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब रिसोर्स पर्सन थे जिन्होंने बात की जो लोगों के हकूक हैं प्री अरेस्ट अरेस्ट और रिमांड स्टेज पर क्या मैसेज रहेगा ऐसे में और कितना अहम प्रोग्राम है जी अहमियत के हामिल तो है ही ये प्रोग्राम क्योंकि जितना हम आपस में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं आपस में मिलजुल के काम करेंगे देखिए हर एक महकमे का मेन जो मकसद यही है कि अपलिफ्टमेंट और बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी हो तो सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट और बेटरमेंट तभी हो सकती है जब तमाम महकमे और तमाम इंस्टीट्यूशंस आपस में मिलजुल के काम करें रिलेटेड टू राइट्स ऑफ अक्यूज्ड पर्सन एट अरेस्ट प्री अरेस्ट अरेस्ट एंड एट रिमांड स्टेज एंड मोर ओवर माय whole focus was on this thing if any person is not having the financial position to engage a counsel he can approach us our department is legal defense counsel system Anantnag so far as the women children members of scheduled caste scheduled tribe and victims of acid attack they are ipso facto entitled to legal aid if any case in any court is pending disposal against them or if FIR stand is registered against any person in he's not in a position to engage the services of a counsel they can approach us and we can plead their cases we are the government counselors and they need not to worry no person should be kept behind the bars because of only this thing that he's not in a position to hire the services we provide